जरिए जो है एयर के जरिए गाड़ी हो रही है खुश्क, और अब इसको पहले से ही मतलब इसको पता है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं जिसको बता रहे हैं कितने हाइट पे जाना है, कितने हाइट पे कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से गाड़ी का मतलब बाउंड्री है कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिक कार वॉश इन जापान। तो ये बहुत ही मतलब यहाँ पे हर चीज़ पूरा जो पूरा इनका सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली होता है, कोई भी बंदा नहीं होता वहाँ पे, सारी की सारी मशीन जो है वो खुद ही जो है आप जो जाते हो अपना इनिशियली जो है एंट्रेंस पे आप जो है पे करते हो कि किस टाइप का आपको वॉश कार वॉश करना है। और ये आप देख सकते हैं कार वॉश का सिस्टम, यहाँ पे हम करेंगे पेमेंट। और हमारे साथ हैं सुभान भाई, और ये जी जी सुभान भाई, हम इस तरह करेंगे ना जी, सबसे पहले इसमें पैसे डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई नाम नहीं डाला, ठीक है पैसे डाले हमने, ठीक है तो इसमें फिर ये बटन दबा के ठीक तो इसमें कोर्सेज है मतलब 300 yen से शुरू होते हैं, 300, 500, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1500 ये कोर्सेज है इसमें। तो मतलब 300 से सिर्फ वो गाड़ी धोई जाती है, 500 में ये है कि शैम्पू भी लगाया जा सकता है उसमें लगाएगा और 700 में वैक्स भी उसके साथ लगाएगा, ठीक है इस तरह जिस तरह वो पैसे बढ़ेंगे तो उसके साथ ऑप्शंस और भी लगाए जाए, ठीक है तो हम इस तरह करते हैं कि 500 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है नीचे ये अगर आपको नजर आता है थोड़ा मोबाइल ऊपर करके ये चीजें इसमें ये बटन जो है सारे है। तो जिस गाड़ी में ग्रिल हो या पीछे ये सीढ़ी सी लगी हुई हो या कोई ऊपर से कोई और चीज हो ना सामान बांधने के लिए ऐसा, तो उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है तो मशीन ऑटोमेटिकली फिर वो उसको एहतियात से वो चीज़ धोती है, सही है ठीक है। तो हम मतलब मशीन को पहले बता देते हैं आपकी गाड़ी किस टाइप की है, गाइटोする 装備品 がなければ装備品なしボタンは ठीक है तो हमारा अभी हो गया, रसीद को भरी ください予約されました ठीक है अभी हम जाएंगे अंदर और मशीन जो है खुद ही जो है सफाया करेगी, गाड़ी के अंदर बैठे होंगे ना, बैठे हुए बाहर निकलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया शीशे बंद कर लिए तो ये मशीन आ गया, पहले ये पानी फेंकेगी ठीक, उसके बाद फिर ये शैम्पू फेंकेगी, तो ये जी आ गया सफाई प्रोग्राम, सफाई मुहिम स्टार्ट हो गई है, साइड से भी अप्रोच निकलेंगे, अच्छा ऊपर वाले भी आएंगे। अब ये जो है पूरा सिस्टम जो है पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई भी यहाँ पे किसी भी अमले की जरूरत नहीं है, तो असल में यही फ्यूचर है, फ्यूचर में मतलब ये है कि आपको अमला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम रोबोट्स करेंगे। तो आप अभी से सोचना शुरू कर दें कि आपको कौन सा काम करना है, ऐसा काम सिलेक्ट करें जो रोबोट्स ना कर सकें, एयर के जरिए गाड़ी हो रही है खुश्क, और अब इसको पहले से ही मतलब इसको पता है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं जिसको बता रहे हैं कितने हाइट पे जाना है, कितने हाइट पे कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से गाड़ी का मतलब बाउंड्री है कहाँ पे। जो सिस्टम है ये हो सकता है पॉसिबल हो कि पाकिस्तान में भी कहीं एक आधा कोई इस्लामाबाद कराची में हो तो हो, अदरवाइज जो है मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा अब तक
जब तक मैं पाकिस्तान में था तो मैंने इस तरह का नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे जापान में ये आम जाम है और हर जगह पे हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद हर पेट्रोल पम्प के साथ इस तरह की जो है हमें क्लीनिंग के जो है सेटअप हमें मिलता है। सस्ते में होता है, 300 येन कुछ भी नहीं है। 300 येन जापान में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जापान में 300 येन की मतलब पाकिस्तानी कितने हुई समझें कि तकरीबन 450 के लगभग। बिजली का भी इतना खर्चा इसका नहीं है, एक सोलर एक पैनल लगा के भी चलाया जा सकता है और या जनरेटर से लगाया जा सकता है। सही सही, और ज्यादा से ज्यादा ये 5 मिनट लगते हैं। सही, तो आपको क्या ख्याल है इस तरह का हम सेटअप लगाएं पाकिस्तान में चलेगा या फिर चलेगा? मैं तो कहता हूँ चलेगा, आपके ख्याल में चलेगा? लोगों के पास टाइम नहीं है और ये सर्विस पे काफी वेट करना पड़ता है। हाँ, तो अगर 5 मिनट में काम खत्म होता है तो हर कोई चाहेगा कि। सही सर, बस ये है कि अगर इस तरह अमला नहीं होगा तो ऐसा ना कोई ब्रश व्रश और चीजें वीजें लेके उसके अंदर जो मशीनरी लगी वो उठा के बेच बूच दे। ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, अदरवाइज जाहिर है हिसाब से देखा जाए तो फैसिलिटी तो बहुत ही लाजवाब है। और इस वक्त जो है हम घूम रहे हैं ओब सिटी में, और आज जो है सुबान भाई से हम लेंगे, सुबान भाई की ये गाड़ी है, सुबान भाई से रिव्यू भी। जी बिल्कुल, सुबान भाई इस गाड़ी का रिव्यू भी करेंगे और हमें बताएंगे कि इस गाड़ी की, ये है प्रियस 2017 मॉडल, राइट 2017 मॉडल, और सुबान भाई बताएंगे इसकी खूबियाँ क्या हैं। और नो बॉडीज परफेक्ट कोई नहीं होता जिस तरह, तो हर मशीन भी परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई इसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है, तो वो कौन सी गुंजाइश है इसमें वो भी सुबान भाई बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इस गाड़ी का रेट क्या है, पाकिस्तान तक कितने में पहुंचेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे रेट क्या है और टैक्सेस कितने हैं, शिपमेंट कितनी है और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में चलाने के लिए इसका थोड़ा एक और भी मैंने मसला सुना है वो जो नीचे से, तो सुबान भाई से उसका ही पूछेंगे उसका कोई हल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के प्रियस 2017 के रिव्यू में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिव्यू देंगे इस गाड़ी का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।